Bismillah ar-rahim assalamu alaikum students. I hope you are all fine. I'm your English teacher Sahar, and today we will start our English lesson, and we will start with the lesson of class fifth. Today the day is Monday, and date is fifteen of March, and we will discuss a poem which name is "Stopping by Woods on a Snowy Evening."

यानी कि एक मुसाफिर जो कि अपने सफर में एक जंगल के करीब से गुजरता है या जंगलात जंगलात के करीब में से गुजरता है और वो एक बर्फ़ानी शाम होती है जब वो उन जंगलात के करीब से गुजरता है तो वो वहाँ पर रुक कर नेचर को ऑब्ज़र्व करता है और नेचर को ऑब्ज़र्व करके उसने ये पोइम जो है वो लिखी है नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड्स विच आर मेन्शन इन द बुक्स द फर्स्ट वन इज़ डार्केस्ट इवनिंग इट मीन्स अंधेरी शाम विंटर इवनिंग्स आर मच टार्कर दैन समर इवनिंग्स इन प्लेसिस टू क्लोज़र टू द नॉर्थ पोल इट मीन्स कि जो सर्दियों की शामें होती हैं वो गर्मियों की शामों के नीचे ज़्यादा गहरी होती हैं और जो वो इलाके जो कि नॉर्थ पोल के पास होते हैं वहाँ पर सर्दियों की रातें गर्मियों की रातों से बहुत ज़्यादा गहरी या तरीक होती हैं डाउनी मीन्स नरम लाइक डाउन दॉफ्ट अंडर फिदर्स ऑफ यंग बर्ड्स जो छोटे परिंदे होते हैं उनके परों के नीचे जो नरम जगह होती है ना उस उस वो उसको कहते हैं फ्लेक बर्फ का गाला स्मॉल पीसीस ऑफ स्नो फ्लेक्स इट मीन्स के जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हार्नेस घोड़ा जोतने का साज इट मीन्स द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स हम घोड़े को पकड़ने के लिए जो उसको लगाम डाली होती है जो उसको एक बेल्ट डाली होती है जिससे उसको उसको कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं हार्नेस लेट्स स्टार्ट आर लेक्चर First of all, we will read the poem and then we will discuss it. So, let's start the reading of the poem. Whose woods these are, I think I know, his house in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the we the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Ok students now you will write down the meaning of the words. The first one is woods means jungle, junglat, do taham, queer ajeeb, lake jeel, harness gora jotne ka saaz, shake hilana, sweep harkat, downy naram. फ्लेक बर्फ के टुकड़े डाउनी फ्लेक मीन्स बर्फ के नरम टुकड़े लवली खूबसूरत नाउ वी विल रीड द पोइम विद ट्रांसलेशन हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो ये जंगलात किसके हैं मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ हिज हाउस इज इन दिलेज दो ताहम इसका घर गाँव में है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर वो नहीं देखेगा मुझे यहाँ रुकते हुए टू वॉच हीज़ वुड्स फिलअप विथ स्नो इसके झुंड बर्फ से भरते देखने के लिए इस पैराग्राफ में जो है वो पॉइंट ये कह रहा है कि मैं मुझे इलम है मैं जानता हूँ कि ये जंगलात किसके हैं और उसका घर भी गाँव के पास ही है या गाँव में है और वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देख सकेगा इट मीन्स कि जिसके भी जंगल है वो अपने घर में मौजूद है और वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा कि मैं यहाँ पर रुका हूँ और उसके मैं जंगलात को बर्फ से ढकते हुए देख रहा हूँ माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक आई इट क्यूर माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर मेरा छोटा घोड़ा या मेरा नन्ना घोड़ा इसे अजीब समझता होता समझता है टू स्टॉप विदाउट आउट आ फार्म हाउस नियर किसी फार्म हाउस के नज़दीक ना होते हुए रुकना बिटवीन दी वुड्स एंड फ्रोजन लेक मंजमन झील और जंगलात के दरमियान, फ्रोजन लेक मतलब मंजमन झील मतलब जमी हुई झील द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर साल की सबसे तरीक शाम पर इस पैराग्राफ में जो है वो पॉइंट ये बता रहा है कि मेरा घोड़ा जो है वो इस चीज़ को अजीब समझ रहा है कि इर्द गिर्द कोई भी फार्म हाउस नहीं है और जो है वो सबसे तरीक़ शाम है साल की और फिर भी मैं इन जंगलात और इन ज, इस जमी हुई झील के पास के दरमियान में जो है वो रुक गया हूँ ही gives his harness बेल्स a शेक वो अपनी सास की घंटियों को हिलाता है टू आस्क इफ़ there इज सम मिस्टेक ये पूछने के लिए क्या कोई गलती हुई है दी ओनली अदर साउंडस द स्वीप दूसरी वाहद आवाज हरकत की है of easy wind and downy flake हवा हल, हल्की हवा की और बर्फ के नरम गालों की जो घोड़ा है वो अपने जो है घंटियों को हिलाता है ये पूछने के लिए कि कोई गलती हुई कोई मिस्टेक हुई है और दूसरी आवाज जो है पे जो हल्की सी हवा चल रही है ना उसकी आवाज आ रही है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप झून खूबसूरत, तरीक और गहरे हैं बट आई हैव promises टू कीप मगर मुझे वादे निभाने हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है इस पैराग्राफ में पोइट ये कह रहा है कि ये जो जंगल हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत गहरे हैं और बहुत ज़्यादा तरीक हैं यानी कि ये बहुत खूबसूरत भी हैं और इधर लेकिन इधर बहुत अंधेरा भी है लेकिन मुझे जाना है वो जाना नहीं चाह रहा एक्चुअली जो जो है ट्रैवलर है उसको यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वो वापस जाना नहीं चाह रहा लेकिन वो कह रहा है कि मुझे वापस जाना है क्योंकि मैंने कुछ वादे किए हैं और मुझे वो वादे निभाने हैं और मुझे रात होने से पहले सोने से पहले मतलब मुझे रात होने से पहले मीलों का सफर तय करना और ये मीलों का सफर तय करके मुझे वापस पहुंचना है अपनी मंजिल पर सो आई फ्रेंड्स कि आपने आज के लेसन को बहुत इंजॉय किया होगा ये लेसन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है यह पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है आपने इसको ज़रूर बार बार पढ़ना है बार बार इसको सुनना है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए सो नेक्स्ट हम अपने जो है वो एक्सरसाइज और बुक वर्क के साथ आएंगे सो स्टे प्लस स्टे होम स्टे सेव ख्याल रखिएगा अपना दुआओं में याद रखिएगा अल्लाफिज